माई से होप सेंटर के हिंदी कलीसिया में स्वागत है। कितनी खुशी की बात है, हम मिलकर आराधना करने वाले हैं इस माध्यम के द्वारा। हम आराधना में आगे बढ़ने से पहले एक वचन सुनेंगे। वचन संहिता 121 में कहा गया है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। आमीन। हमारी सहायता प्रभु से आती है। हम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु पर कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने वायदे को कभी नहीं छोड़ता। आमीन। तो हम आराधना में जाने से पहले प्रार्थना करने वाले हैं। प्यारे पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद कहती हूँ। जब हम मिलकर आराधना करने वाले हैं, आप हमारी मदद कीजिए ताकि सिर्फ हम आपकी ओर देखेंगे और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। पिता, हम जब वचन से सुनेंगे, आप हमसे बातें कर और हम अपने जिंदगी में वो कार्य उपयुक्त करें, उसके लिए मदद कीजिए। पिता, हम अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि आप हमें इस्तेमाल कीजिए। पिता, हमें सब सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद, सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए धन्यवाद। आगे के समय हम सिर्फ आपके बारे में सोचे, उसके लिए मदद कीजिए। ये सब यीशु के नाम में मांगते हैं और सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु यीशु का। जैसे हम आज के मैसर होप सेंटर की हिंदी कलीसिया में ज्वाइन करते हैं, आइए सब मिलकर एक साथ प्रभु धन्यवाद दें, उसको महिमा के गीत उसके लिए गाएं और उसकी प्रशंसा महिमा करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये गीत कहता है, आवाज उठाएंगे हम, सांस बजाएंगे, आइए सब मिलकर एक साथ गाएं। अपने हाथों को उठाकर आप ताली बजाकर ये गीत गा सकते हैं। आवाज उठाएंगे हम, सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम, सांस बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, है रूप तो तेरा ही इन चांद सितारों में, है अक्ष तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, दिन चांद सितारों में है अक्ष तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। खजाना है एक पाक मोहब्बत का, ना पा न सका कोई सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। उठाएंगे हम सांस बजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। मेरे प्रियो, वो प्रभु ऐसा महान है जिसने हमको हमारी दशा में नहीं देख पाया, वो हमको छुड़ाने के लिए, हमको बचाने के लिए
इस धरती पे आया। आइए प्रियो एक ये मधुर जो गीत है प्रभु की प्रशंसा के लिए गाएं। जय देने वाले प्रभु यीशु की कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। आइए प्रभु की प्रशंसा करें। ओ सिया ला 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 मासे शांति। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। यीशु जिंदा है वो आने वाला है। हालेलुया 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 गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। मेरे प्रियो हम सबों को प्रभु यीशु की सामर्थ्य चाहिए। उसका बल उसका प्रकाश हमारे जीवन में चाहिए। हालेलुया। आइए ये गीत गाएं और कहें सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। वैसे सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे।
यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। 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 हालेलुया 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 हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु हो रिया ला बा 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 शाका त्रो रिया ला 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 बा 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 मा 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 से। ग्लोरी ग्लोरी प्रभु तेरी महिमा हो राजा, तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद।
देना, हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। Oh,
हैं तेरी स्तुति, हृदय की गहराई से यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से ओ तेरी आराधना करेंगे, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, महिमा हो तेरी, महिमा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ओ रिया ला 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 मसे तेरे हालेलुया, प्रभु रा ला 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 मसे, ग्लोरी 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 टू योर नेम, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करे प्रभु यीशु, ओ उसकी प्रशंसा करे, उसकी महिमा करे, वो सारी आदर सारी महिमा सारे गौरव की योग्य परमेश्वर है, उसने हमें रचा, उसने हमें बचाया, उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें जीवित रखा, धन्यवाद किया, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे हाथ में अपने जीवन को सौंप दे, अपना जीवन अपना सब कुछ तुझे दे दे प्यारे प्रभु, होने दे तेरा वचन, तेरा सत्य कलाम प्रभु हमारे जीवन में कार्य करने पाए,
मेरी आंख उंडेल दे प्रभु आज जैसा तेरा वचन बांटा जाए। ओ सिया ला 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 मा सांता बारा दा ला बा 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 अरे हृदय को आज तेरा वचन छोड़ दे, तेरे सत्य के कलाम से हमारे जीवनों के बंधनों को तोड़, हर भय हर बदरू यीशु नासरी के नाम से डांट दे। तेरे बच्चे जैसा तेरा वचन सुनते हैं, जैसे तेरी प्रशंसा तेरी याद से होकर तेरे वायदों को सुनते हैं खुदा, हर हृदय में तेरी आजादी आए, तेरा प्रेम दे दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनो प्रेम कर, आमीन। हाय एमएससी फैमिली, कार्ल एंड आई आर सो ग्लैड टू बी बैक विद यू हियर इन माइसोर। I trust that you had a blessed couple months. We miss seeing you face to face, but we are glad to be back in Mysore to help people and to serve, but also to work with our staff in meeting the needs of our congregation and the city. Carl and I want to say thank you for all your prayers for Nathaniel's graduation, his credentialing, and his wedding with Ariana. Everything went well. Well, now that we're back in Mysore, we want to serve you in the best way possible. Please let us know how we can be of help to you and your families. Let us know, let our staff know what we can do. We're trying to coordinate so that we can better serve you, especially those who are affected by COVID, that we can be a blessing to you and your families. As we serve, it's not just us, the staff we're serving, but we ask you to come alongside, to pray, to look for opportunities where you can serve, help prepare meals. I know it's difficult to go visit people, but at least you could give us a call on WhatsApp. Pray for people from wherever you are. So let's together make a difference. And I know that God's kingdom is so big and that it can continue to grow bigger because of you. God bless you. आइए अब समय हुआ है कि हम परमेश्वर के राज्य में अपना दान और अपने दशमांश दें। आप देख सकते हो आपकी टीवी स्क्रीन्स पर नंबर्स दिए जा रहे हैं, क्यूआर कोड दिया जा रहा है, इसकी मदद से आज अपने दान और दशमांश आप दे सकते हो। तो चलिए अभी हम प्रार्थना करें, विश्वास की प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है कि आज हमारे हाथ खाली नहीं हैं। जो परमेश्वर ने हमें दिया है वही हम परमेश्वर के राज में बो रहे हैं। आइए हम अपने दान और दशमांश के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद इसके लिए देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें मदद की है कि हमारे दान और दशमांश हम लेकर आए, जैसे आपका वचन में कहता है कि दो तो दिया जाएगा, है ना। तो परमेश्वर आज हम सब प्रार्थना करते हैं कि जो भी हम दान और दशमांश देने जा रहे हैं इसमें आपका आशीष रहे और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए, ताकि काफ़ी जो आत्माएं हैं इसके ज़रिए से जीतने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हम में से कोई भी किसी के भी जीवन में कोई कमी या घटी ना हो परमेश्वर। जैसे हम आपके राज्य में बोते हैं परमेश्वर, 30, 60 और 100 गुना फल हम देखना चाहिए हमारे जीवन में, और यही हमारा गवाही होनी चाहिए परमेश्वर कि हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं परमेश्वर। हम सर हैं और हम कभी भी पूंछ नहीं हो सकते हैं परमेश्वर, आपने हमें आगे रखा है। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर ये दान के लिए और ये दशमांश के लिए परमेश्वर। आपका आशीष और बरकत इसमें रहे और हम सब पर रहे, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन। आप सबको जय मसीह की। अब समय हुआ है कि हम वचन की ओर चलें, और मैं आशा करती हूँ सब ने अपने बाइबल्स को पास में रखा है, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इस समय के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम सब से आज बात करे, क्योंकि जब कभी भी परमेश्वर का वचन बांटा जाता है, है ना, हम अपने हृदय को खोल के परमेश्वर का ये जो वचन है ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हम सब के जीवन को
बदल सकता है, क्योंकि आजकल की परिस्थिति ऐसा है कि सब लोग भय में जी रहे हैं, है ना, भय से अपने जीवन को हैंडल कर रहे हैं वो। लेकिन जब भी हम परमेश्वर की वचन को सुनते हैं, विश्वास में जब सुनते हैं, तो हम भय से नहीं, हम विश्वास से हमारी परिस्थितियाँ को हैंडल करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज का वचन एक छोटी सी प्रार्थना के साथ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब आंखें बंद करें, अपने हृदय को खोलें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आपका जो वचन है मेरे हृदय में आने दो और मेरे जीवन को बदलने दो। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने आज हमारे लिए कुछ अच्छा वचन तैयार किया है परमेश्वर। और ये जो वचन है, हम जानते हैं परमेश्वर कि ये हमारे जीवन को बदल सकता है। और हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो वचन है हमारे मन तक ही नहीं, लेकिन हमारे आत्मा में जाए परमेश्वर, हमारे हृदयों में जाए परमेश्वर, और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल हमारे जीवन में लेकर आए परमेश्वर, हमें और भी आप जैसे बनाए परमेश्वर। ये जो वचन है, हमारे जितने भी डाउट्स हैं, हमारे जितने भी शंकाएँ शक है हमारे जीवन में परमेश्वर, जो भी विपरीत परिस्थितियाँ हैं परमेश्वर, उसे पूरा बदल दे। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि ये वचन को ले और हमारे जीवन को बदल दे। धन्यवाद देते हैं कि आपने ये प्रार्थना हमारी सुनी है, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन। सो चलिए, आज का जो वचन है मैं बांटना चाह रही हूँ, अगर आपके बाइबल्स आपके पास है तो आप खोल सकते हो, लूका का अध्याय 16 और हम 19 से पढ़ेंगे, 19 से आगे। और ये जो वचन है, कई बाइबल्स में ये रेड इंक में लिखा गया है, जिसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने खुद ये कहानी कही है और उनकी ज़ुबानी है ये। और ये कहानी है, हम सब जानते होंगे, बहुत ही फैमिलियर होंगे हम सब इस कहानी से। ये कहानी है उस धनवान मनुष्य का और लाजर का। तो आइए हम 19वां वचन से आगे पढ़ेंगे। तो यीशु ऐसा कहता है यहाँ पे कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और उसका जो अगला वचन है, 20वां वचन, उधर लिखा है कुछ एक अनोखी सी बात है वहाँ पे। ऐसा लिखा है वहाँ पे, और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। उसकी यानी वो जो धनवान है उसके फाटक में लाजर को छोड़ दिया जाता था। अब मैंने आपको बताया था एक अनोखी बात इसमें ऐसा है, जनरली हम देखते हैं यीशु मसीह जब भी कोई पैराबल या दृष्टांत बांटते थे लोगों के साथ, उसमें किसी का भी नाम मेंशन नहीं हुआ होता है। लेकिन इस वाले कहानी में हम देखते हैं एक नाम ज़रूर मेंशन किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये कोई दृष्टांत या पैराबल नहीं हो सकता है। शायद कोई एक सच्ची घटना हुई होगी जिसके बारे में यीशु बांट रहा है। और अनोखी बात ये है कि ये जो धनवान मनुष्य है, यीशु ने ज़रूरी नहीं समझा उसका नाम बताए। लेकिन हम देखते हैं ये जो कंगाल है इसमें, इस कहानी में, उसका नाम यीशु मसीह ने ज़रूरी समझा बताने के लिए कि उसका नाम लाजर है। क्योंकि हम देखते हैं इस दुनिया में जो धनवान लोग हैं, उसका नाम ही नहीं, लोग उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, उनका कौन, एवरीथिंग अबाउट देम, है ना। जो रिच होते हैं, जो एफ्लुएंट लोग होते हैं, उनके बारे में लोग सब कुछ जानते हैं। लेकिन किसी भिखारी या कंगाल गरीब के बारे में अगर किसी को हम पूछे, नाम तो बहुत दूर की बात है, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं लोग जनरली ना। लेकिन ये वाली कहानी में हम थोड़ा ऑपोजिट देखते हैं, यीशु उस कंगाल का नाम बताते हैं कि उसका नाम था लाजर और धनवान का नाम ही नहीं था। क्योंकि हम देखते हैं जनरली यीशु मसीह जब भी कोई पैराबल
में बात करते हैं, वो कैसे बोलते हैं कि एक बोने वाला था, नाम तो नहीं बताते, वो बीज बोने गया, या फिर एक स्त्री थी जिसने खमीर को आटे में मिलाया, उस स्त्री का भी नाम नहीं है, या फिर एक मनुष्य था जिसने एक खेती में कुछ मौलवान या कुछ खजाना देखा और उसने जाके उसको छुपा लिया, उस आदमी का भी नाम नहीं है, है ना। सिर्फ ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर या स्वर्ग का राज्य इस मनुष्य की तरह है या इस स्त्री की तरह है। लेकिन यहाँ पे यीशु ने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने एक नाम ज़रूर लिया है, जिसका मतलब है कि ये शायद ये पैराबल से कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो धनवान का जो जीवन शैली था वो कैसे था। लिखा है कि वो बैंगनी कपड़े में, मलमल के कपड़े में रहता था प्रतिदिन, रोज़। हाँ, वो सुख विलास और धूम धाम की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। यही है ना, रिच मैन जो होते हैं उनका कपड़े, है ना, उनका जो लाइफस्टाइल इतना हाई क्लास होता है, उसके पास शायद सब कुछ हुआ होगा। और हम देखते हैं लाजर का कहानी क्या, परमेश्वर क्या बोलता है, उसका जो उसका लाइफस्टाइल कैसे था लाजर का। उसमें लिखा है कि लाजर कंगाल था, कंगाल यानी उसके पास कोई पैसे नहीं थे, घावों में था, यानी वो हेल्थ वाइज भी उसका हालत बहुत ही बेकार हुआ हुआ था, घावों में था, फुल ऑफ सोर्स इंग्लिश में कहते हैं। और ये धनवान का जो फाटक है उधर वो खुद नहीं आता था, वचन कहता है उसे छोड़ दिया जाता था वहाँ पे, यानी उसका हालत इतना ख़राब था, वो इतना डिपेंडेंट था लोगों पर कि उधर आके उसको छोड़ दिया जाता था। और भी सुनो, उसके बाद में और भी बोला, धनवान के लिए सिर्फ एक ही वचन था, लेकिन लाजर के लिए देखो दो वचन में परमेश्वर ने उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। और फिर लिखा है और वो चाहता था, है ना, लाजर का क्या इच्छा था, बस एक ही इच्छा था। लिखा है कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। इससे भी बेकार जीवन कुछ हो ही नहीं सकता है, सोचो। वो किसके लिए रुखा होता था कि जब वो धनवान खाना खाता था, उसके मेज पे से जो लेफ्ट ओवर खाना जो गिर जाता था वो उसको मिलता था, उसका ही इच्छा रखता था वो, सोचो। और वो भी नहीं, वो इतना निर्बल था, कोई शक्ति नहीं, क्योंकि कुत्ते उसके घाव आके चाटते थे और उसे भगा भी नहीं पाते थे। तो आप सोच सकते हैं कि दोनों का जीवन, परमेश्वर ने ये दो वचन में हमें दिखाया है, दोनों का जीवन इतना विपरीत जीवन था, है ना, एक इतना अमीर और एक इतना गरीब, है ना, सब कुछ विपरीत था उनके जीवन में, राइट। लेकिन इसके बाद का वचन में हम देखते हैं एक कौन चीज़ दोनों के जीवन में होता है और वो क्या है। 22वां वचन में ऐसा लिखा है, और ऐसे हुआ। 22 वचन का फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट में हम देखेंगे एक चीज़ जो कॉमन दोनों के जीवन में जो होता है, और वो ये है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और वो धनवान भी मर गया। और ये एक चीज़ मौत जो है ये दोनों के जीवन में हुआ, दोनों भी मर गए। हाँ, और उसके बाद लिखा है ये दोनों, अभी यहाँ तक जो है पूरा दुनिया ये दोनों को देख रहे हैं, इनका जीवन को देख रहे हैं, उनकी मृत्यु तक है सब लोग इनकी जीवन को देख रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है ये मृत्यु के बाद इनके जीवन को क्या हुआ वो इस वाले कहानी में बताते हैं। और इसके लिए ये कहानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस दुनिया में सबसे बड़ा मिस्ट्री सभी के लिए ये है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। बिकॉज लोगों ने देखा नहीं है मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके लिए इसके इर्द गिर्द बहुत थियोरीज बने हुए हैं कि शायद ऐसा होता होगा, शायद ऐसा होता होगा। लेकिन यीशु मसीह हमें ये कहानी मृत्यु के बाद सुनाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे ऐसे लिखा है कि कंगाल मर गया
और स्वर्ग दूत ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया और वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। लाजर भी मरा, धनवान भी मर गए। लेकिन सोचो क्या हुआ, लाजर के साथ एक बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। लाजर जब मरा होगा शायद कोई भी नहीं आया होगा उसको देखने के लिए, क्योंकि वो कंगाल था, कोई उसके बारे में नहीं जानता था। बट सोचो परमेश्वर उसका नाम भी जानते थे। ये अनोखी बात है हमारे परमेश्वर का, वो हम सबको पर्सनली जानते हैं, हमारे नामों से जानते हैं। वचन कहता है हर एक तारों जो तारे हैं, इन्यूमरेबल जो स्टार्स है, ईच वन, परमेश्वर ने सबको नाम दिया है। इतना वो हमसे प्यार करते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि जब लाजर मरा तो शायद कोई भी नहीं होगा, उसका बॉडी को शायद फेंक दिया होगा, लेकिन उसको देवदूत आके उठा के इब्राहिम के बूसम में जाके, गोदी में जाके बिठा दिया। सोच के देखो, लेकिन ये जो धनवान था वो भी मर गया। उसको शायद सबसे बेस्ट फ्यूनरल मिला होगा, क्योंकि आप जानते हो वो रोज़ इतना उसका ज़बरदस्त लाइफस्टाइल हुआ होता है। हम देखते हैं पूरे शहर के शायद लोग आए होंगे उसकी आखिरी विदाई पर, है ना, और बहुत धूमधाम से शायद उसका फ्यूनरल उन्होंने किया होगा वो धनवान का। और उसका मेरे ख्याल से जो टूम्बस्टोन है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बनाया होगा, शायद मार्बल में बनाया होगा। लोग सिर्फ यहाँ तक देखते हैं और शायद लोगों ने बोला होगा कि लाइफ हो तो इसके जैसा हो, धनवान की तरफ। लेकिन जो सच्चाई है मृत्यु के बाद की, वो शायद कोई नहीं देख रहा था सिवाय यीशु मसीह के। इसलिए यीशु मसीह उस कब्र की आगे की स्टोरी हमें बताते हैं। आइए हम देखते हैं कि क्या हुआ। 23वां वचन में ऐसा लिखा है, और अधोलोक में धनवान ने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम के गोद में लाजर को देखा। सोचो वो जब वो कहाँ गया वो धनवान, वो अधोलोक में पहुंच गया जहाँ पे आग था, है ना, ज्वाला था, और वहाँ भी एक चीज़ हुआ। वो अपनी आंखों को उठा के देखा और उसने क्या देखा, उसने देखा लाजर दूर, पास नहीं, दूर उसने देखा लाजर इब्राहिम के गोदी में बैठा हुआ है। आगे की वचन ऐसा कहता है, और उसने पुकार कर कहा कि हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। सोचो ये जो धनवान है उसका पहला बिनती इब्राहिम से, वो क्या कहता है सुनो, हे पिता इब्राहिम मुझ पर दया कर। वो इब्राहिम को जानता था, यानी ये जो धनवान है वो पुराने नियम के बारे में वाकिफ़ था, वो इब्राहिम के बारे में वाकिफ़ था, वो परमेश्वर के वचन उसके नियम के बारे में वाकिफ़ ज़रूर था। और उसका जो पहला विनती है, उसका जो रिक्वेस्ट है वो क्या है, वो बोलता है कि मेरे पे दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाले में तड़प रहा हूँ। इट वॉज एन इटर्नल टॉर्मेंट, उसके लिए हर एक क्षण टॉर्मेंट था, वो तड़प रहा था। और वहाँ से उसका एक रिक्वेस्ट क्या था, ये नहीं कि मुझे धन दौलत चाहिए, ये नहीं कि मुझे बहुत विजडम चाहिए, ये नहीं कि मुझे शक्ति चाहिए, क्योंकि आज इस दुनिया में यही चीज़ लोग चाहते हैं। परमेश्वर का एक वचन है जरमाया 9:23 में, 9:23 में वहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर कहता है जो बुद्धिमान है वो अपनी बुद्धि पर गौरव ना कर, है ना, जो शक्तिमान है अपने शक्ति पे ज़्यादा गौरव मत कर, और जो धनवान है अपने धन पर गौरव मत करो। किस पे गौरव करो, ग्लोरी इन द लॉर्ड। किस पे आप गौरव करो कि आप परमेश्वर को जानते हो, उनको समझते हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, धन नहीं, है ना। अब देखो इसका हाल देखो क्या है, इसमें से कोई भी चीज़ जो उसके धरती के लाइफ में था कुछ भी मदद के लिए नहीं आया, है ना। अब वो क्या, उसका क्या विनती, आप सोच के देखो। बोल रहा है कि लाजर को इब्राहिम, पिता इब्राहिम प्लीज़ भेजो, वो अपना उंगली को पानी में डुबो के मेरे जीभ में डाले। आप सोच सकते हो इससे भी
कंगाल कौन हो सकता है? ये धरती पर तो धनवान था, अब इसका हालत देखो, इस दुनिया में ऐसा इससे ज़्यादा कंगाल कौन हो सकता है ना? ये उसका पहला विनती था। तो देखते हैं कि इब्राहिम ने क्या बोला। इब्राहिम 25वां वचन में ऐसा कहता है, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसी ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है ना? और उसके बाद नेक्स्ट वर्स में लिखा है, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा या गल्फ ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास। तो इब्राहिम ने बोला कि हमारे बीच में इतना बड़ा एक गल्फ है, इतना बड़ा खाई है कि कोई इधर से उधर नहीं जा सकता, कोई उधर से इधर नहीं आ सकता है ना? और फिर अगले वचन में धनवान फिर कहता है ना, उसने कहा, तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। ये उसका दूसरा विनती है ना? उसका दूसरा विनती देखो क्या है, मेरे पिता के घर लाजर को भेजो क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। तो उसका दूसरा विनती क्या है, बोल रहा है कि वो नहीं बोल रहा है कि जाओ मेरा प्रॉपर्टी देखो, मेरा धन देखो, मेरा दौलत देखो, मेरे VIP फ्रेंड्स को देखो, नहीं। उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, वो बोल रहा है कि मेरे 5 भाई लोग हैं वहाँ पे, लाजर को आप प्लीज़ भेजो और बताओ ये सब सच है, मृत्यु के बाद ऐसा एक जगह है, मृत्यु के बाद ऐसा एक अच्छा जगह भी है जहाँ पे लाजर अब है, उनको जाके चेतावनी दो, प्लीज लाजर को भेजो ताकि वो यहाँ न आए। आप सोच के देखो। तब इब्राहिम एक चीज़ बोलता है, हम सबके मनों में एक सवाल ज़रूर रहेगा कि ये धनवान इधर पहुँचा क्यों, क्या है वो एक कारण जिसकी वजह से वो यहाँ पहुँच गया, अधलोक पहुँच गया और लाजर उधर पहुँच गया। हम सबके जीवन में एक प्रश्न तो ज़रूर उठता होगा, उसका भी जवाब है कि क्यों धनवान इस जगह में पहुँचा है। तो इब्राहिम कहता है उनसे, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। तो इब्राहिम कहता है कि लाजर को क्यों भेजे, उनके पास तो नियम है, उनके पास मूसा है, उनके पास भविष्यद्वक्ता है, परमेश्वर का वचन है, उसे सुने वो। इसके बाद जो धनवान कहता है वो ही है उसका कारण जिसके वजह से वो अधोलोक पहुंचा है। और वो क्या कहता है, वो धनवान ने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, वो शब्द है नहीं नहीं नहीं, अधलोक में भी वो बोल रहा है नहीं, वो परमेश्वर का वचन नहीं। यानी वो जब धरती पे था तब भी उसने परमेश्वर के वचन को नकारा होगा। परमेश्वर का वचन का मतलब क्या है, परमेश्वर खुद, उसने नकारा होगा परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन को नकारना के मतलब है परमेश्वर को नकारना। और अभी भी वो सेम चीज बोल रहा है, वो बोल रहा है कि नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। और वो बोलता है कि वचन नहीं, अगर कोई मरने के बाद अगर जी उठ के जाता है तब कुछ बात होगी। तब इब्राहिम आखिरी वचन में इब्राहिम कहता है, इब्राहिम ने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो इब्राहिम कहता है उस धनवान को
कि अगर वो परमेश्वर का वचन नहीं ग्रहण कर सकते हैं जो उनके लिए उपलब्ध है अब इस धरती में हर एक मनुष्य के लिए उपलब्ध है, अगर वो उनकी नहीं सुनते हैं तो अगर कोई मरने के बाद भी अगर जी उठा तो उनकी भी नहीं सुनेंगे। और यीशु मसीह ये कहानी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। लेकिन आपको पता है ये जो विनती था धनवान का ये ज़रूर फुलफिल हुआ, ये पूरा हुआ। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह ने इसे पूरा किया। यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कुछ ही दिनों बाद यीशु मसीह खुद है ना पूरे संसार के पाप को अपने ऊपर लिया। इस वजह से यीशु मसीह इस धरती पर आए थे, है ना। बाइबल कहता है कि परमेश्वर इस धरती पर इसके लिए आए क्योंकि हम अपने पाप का हल नहीं ढूंढ सकते थे। हम सबके ऊपर पाप की वजह से वो मृत्यु का दंड था जो सिर्फ एक निष्पापी उठा सकता था, और वो है परमेश्वर। वो खुद यीशु मसीह बनकर आए इस धरती पर और उन्होंने अपना पाप को उठाया। पाप के साथ हमारे दुख बीमारी सबको उठा के उस क्रूस पर वो चढ़े और उन्होंने अपना जान दे दी, है ना। उन्होंने जो मृत्यु मेरे ऊपर था वो उन्होंने ले लिया और उन्होंने अपना जान दे दी। लेकिन वहीं ख़त्म नहीं हुआ कहानी। वो मरे ज़रूर है, जैसे धनवान ने कहा कि कोई मृत्यु से अगर जी उठता है तो बात बनेगी, तो लोग विश्वास करेंगे कि ऐसा एक नरक जैसा जगह है और स्वर्ग जैसा जगह है। लेकिन यीशु तीसरे दिन जी उठे, मृत्यु को हराया उन्होंने, पाप को हरा दिया और जी उठे, है ना। और आज वो मरे हुए परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। और वो कहते हैं कि जो कोई भी मेरे पर विश्वास करता है वो अधलोक तो कभी नहीं जाएगा, है ना। जो कोई भी हो सकता है, धनवान भी हो सकता है, भिखारी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो कोई भी मेरे पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा मेरे साथ स्वर्ग के राज में। तो ये स्टोरी से हम देखते हैं कि हम सब के पास एक जीवन ज़रूर है इस धरती पर जो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में दिया है। वो शायद 80, 100, 120 जो भी साल का है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा निर्णय हमारा ये होगा कि हमने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। परमेश्वर का वचन यानी यीशु मसीह, क्योंकि वचन, बाइबल कहता है कि वचन ही प्रभु यीशु है जो देहधारी बन के हमारे बीच में रहा है। और उसमें लिखा है कि जो कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण करता है, ये जो निर्णय है वो हमें इस धरती पर ही लेना है। ये निर्णय हमें डिसाइड करेगा कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद दो ही जगह है जाने के लिए, एक तो है अधलोक नरक और एक तो है स्वर्ग। और ये डिसीशन जिस दिन हम बनाते हैं और यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं जीवन हूँ, मैं प्रकाश हूँ, जिस दिन हम उसे ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में हम जीवन लाते हैं, प्रकाश लाते हैं। हम अंधकार में नहीं जी सकते उसके बाद, है ना। यीशु मसीह कहता है कि मैं मार्ग हूँ, क्योंकि आज लोग इतने कन्फ्यूज हैं, उन्हें नहीं पता है कि कहाँ जाए, कौन सा मार्ग सच्चाई है, है ना। और फिर यीशु मसीह कहता है कि मैं सच्चाई हूँ, यानी इतना झूठ है इस दुनिया में, हमें पता ही नहीं कि क्या है। इसलिए यीशु बोलता है कि मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ। जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं हम जानते हैं कि जैसे वो मृत्यु से जी उठे हम भी जी उठेंगे, अधलोक में नहीं, अनंत काल का जीवन परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में। तो ये वचन आज मुझे आपसे बांटना था। और मैं जो भी आज हमें देख रहे हैं, अगर आपके जीवन में कोई शंका है, डाउट है, तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपने कभी भी यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है तो आपको सिर्फ एक छोटे बच्चे की तरह विश्वास के साथ आपको बोलना है, यीशु मसीह मेरे जीवन में और मेरे जीवन को बदल दो। हम एक छोटी सी प्रार्थना करने जा रहे हैं। और जो कोई भी मुझे देख रहे हैं, ये वचन आपको प्रोत्साहित करे, आपको मदद करे यीशु मसीह को आपके जीवन में ग्रहण करने के लिए। आइए हम लोग सब प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के लिए,
धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें दिखाया है वचन से कि मृत्यु के बाद एक दूसरा जीवन शुरू होता है, एक है अनंत काल का जीवन नरक में और एक है अनंत काल का जीवन स्वर्ग में आपके साथ। और हम प्रार्थना करते हैं आज जो भी हमें देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में उन्होंने एक निर्णय लिया है यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर उनकी मदद करे आपके पवित्र आत्मा के द्वारा। हम प्रार्थना करते हैं आप उनके जीवन में जाएं, उनके जीवन को बदल दें परमेश्वर, जीवन को पूरी तरह से बदल दें, जैसे आपने हमारे जीवन में आके हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। आपने हमें बाहर से जॉय नहीं दिया है, अंदर से हमें जॉय दिया है। हम धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में भी आप जाएं, उनके जीवन को, उनकी परिस्थितियों को बदल दें। और जो भी परिस्थितियां उनके अंदर भय डाल रहा है परमेश्वर, डर डाल रहा है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज से आपके वचन से उनको विश्वास मिले आप पे और वो भय निकल जाए। हम प्रार्थना करते हैं आप आशीष करें हर एक वो जन जो हमें देख रहे हैं, और जो भी बीमार है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम में उस बीमारी को हम धुतकारते हैं, निकल जाओ उस शरीर से, और उन्हें आप चंगा दे दे परमेश्वर, चंगाई दे जो आपने हमें क्रूस में दिया है जब हमारे बीमारी को आपने अपने ऊपर लिया था। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके जीवन के लिए, आपके लहू के लिए जो हमारे पापों को धो दिया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, इस समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। धन्यवाद देते कि आपने हमसे प्रेम किया है, और प्रार्थना करते हैं ये पूरा हफ्ता हमारे लिए आशीषित रहे। हम आप में चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम चले परमेश्वर, आपके वचन में हम बढ़े परमेश्वर। धन्यवाद एक और बार, और ये पूरी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ आज जुड़े थे। आज का वर्शिप, आज का वचन आपके लिए एक आशीष का कारण बने, और अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए यीशु मसीह के बारे में तो आप ज़रूर एक बाइबल अपने लिए मंगाए और पढ़ें, और आप देखें कि यीशु मसीह जो आपका खुदा है, आपका जो उद्धारदाता है, ये कौन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।